हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ काफ़ी मज़ेदार एंड काफ़ी टेस्टी टेस्टी ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं उधमपुर का खाना, उधमपुर की फेमस प्लेसेस, इन शॉर्ट उधमपुर एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो अगर आप जम्मू के हैं तो आपको पता चल गया होगा कि उधमपुर कहाँ पर है, लेकिन अगर आप जम्मू से नहीं हैं तो मैं आपको बता दूँ कि उधमपुर कटरा यानी माता वैष्णो देवी से थोड़ा सा आगे है। एंड उधमपुर का रास्ता मेरे घर से 2.5 आवर्स का है। तो यहाँ से तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। आगे उधमपुर में मुझे ज्वाइन करेगी तानिया, क्योंकि उसका घर उधमपुर में ही है, वही मुझे आज घुमाने वाली है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा दैट शी वॉज माई रूममेट, बट नाउ शी इज़ माई गुड फ्रेंड। तो इसलिए आज मैं उसके पास जा रही हूँ एंड उधमपुर घूमने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर लो। तो अभी मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो अभी मैं निकलती हूँ। बाय बाय। हे गाइस, तो गाइस ये है तानिया। तो अभी हम सबसे पहले आए हैं एस्कॉन टेम्पल। उधमपुर एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले भगवान से आशीर्वाद लेके फिर स्टार्ट करते हैं दिन। तो इसलिए सबसे पहले हम आए हैं टेम्पल, एंड ये काफ़ी सुंदर है एंड काफ़ी बड़ा टेम्पल है। तो अभी अंदर जाकर देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं। यहाँ पे क्या तानिया? ये हॉस्टल है बच्चों का। हॉस्टल जो अनाथ अनाथ बच्चे होते हैं, गुरुकुल। अच्छा अच्छा इंटरनेशनल गुरुकुल। अच्छा ठीक है, तो चलो। तो ये श्री राधा कृष्ण जी हैं, एंड ये श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान, एंड ये श्री श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज। आप यहाँ से मैम मतलब? ये मैं उधमपुर से हूँ। आप आते हो रेगुलर? ये लिटरेचर देता हूँ, साथ में रखो। महामंत्र और कृष्ण का ले ले। कैसे आगे बढ़ने का आपको उसका फायदा मिलेगा। तभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो इसमें हमारे सीनियर डिवोटीज के नंबर लिखे हमारे पीछे भिक्षा की। जम्मू में भी हमारा इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और सुबह पहले ये हरे कृष्णा जी का मंत्र पढ़ने से पहले ये मंत्र पढ़ने का, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, उसके बाद ही हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करने का। अगर हो सके तो आप दिन में 16 माला तो बहुत अभी मुश्किल है, एक से भी स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा है। जब हो सके तो ठीक है आप ले लेना, नहीं हो तो जम्मू से भी मंदिर से मिल जाए कि यहाँ भी शायद बंद है हमारे। जम्मू में कहाँ पर लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके जब भी करें साथ में रहना, और भगवत गीता भी हमेशा साथ में रखो घर पे भी। अगर किसी का बर्थडे होता है, किसी को गिफ्ट देना है, तो आप ये शास्त्र गिफ्ट भेजो तो उसका भी कल्याण होगा। जैसे अपन किसी को स्प्रे देते हैं या कुछ भी लेके देते हैं, नाशवंत होती है वो, हमेशा नाश हो जाती है वो। थोड़े टाइम के लिए आपको याद रखा फिर भूल जाएगा। अगर किसी को आपने भगवत गीता गिफ्ट किया तो वो पड़ेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीवार बंद हो रहे हैं। तो गाइस ये बाहर से है मंदिर, एंड पंडित जी बोल रहे थे यहाँ पे गौशाला भी है, तो अभी मैं वही देखने जा रही हूँ। हाँ तो ये रही गौशाला, मैं पास नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे डर लगता है, तो दूर से ही जय गो माता। तो इस्कॉन टेंपल के बाद हम आ गए मामा जी का मशहूर कलाड़ी कुलचा खाने। यहाँ पे वैसे तो 3 तरह के कुलचे मिलते हैं, न्यूट्री कुलचा, चना कुलचा एंड कलाड़ी कुलचा, लेकिन मेन ये कलाड़ी कुलचा के लिए फेमस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कलाड़ी कुलचा ही खाया। तो अभी मैं आपको कलाड़ी कुलचे की मेकिंग भी दिखा रही हूँ। जब ये बना रहे थे वाइकॉट, मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था। इनके कुलचे में मुझे अलग चीज़ ये लगी कि इन्होंने कुलचे में केचप भी डाला था, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कलाड़ी कुलचा मिलता है उसमें केचप वगैरह नहीं डालते, लेकिन इन्होंने डाला था। तो अभी मैं आपको खाकर बताती हूँ कि ये कैसा है। तो ये रहा मेरा कलाड़ी कुलचा, देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, तो अभी खाकर ही आपको बताती हूँ कि कैसा है।
वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी कलाड़ी नहीं खाई है तो कलाड़ी का टेस्ट ना हल्का हल्का सा ऑमलेट की तरह होता है। तो अगर आपने नहीं खाई है तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मैंने फ़र्स्ट बाइट जब ली तो मैंने फ़र्स्ट टाइम में इसे जज नहीं किया, क्योंकि पहली बाइट में मेरे को टेस्ट का उतना पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब मैं दो तीन बाइट ली तो मैं आपको सच बोलूँ, मुझे ये उतना ख़ास नहीं लगा। हमारे जम्मू में इससे टेस्टी वाला कलाड़ी कुलचा मिलता है, तो उतना ख़ास नहीं था ये। इसके बाद हम गए BFC स्ट्रीट फूड खाने, क्योंकि तानिया बता रही थी यहाँ का स्ट्रीट फूड काफ़ी यम्मी होता है। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग स्टॉल लगे थे, एक चाइनीज़ था, एक तंदूरी था, एंड काफ़ी मतलब अलग अलग वैरायटी के लगे थे। तो मैंने यहाँ से डोसा लिया था, क्योंकि यहाँ का डोसा सबसे फेमस था, तो मैंने यहाँ पे डोसा ही ट्राई किया था। मैंने मोमोज़ खाने थे लेकिन इनके पास मोमोज़ थे नहीं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ डोसा ही लिया यहीं से। एंड डोसा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था सच में, एंड इनका प्राइस भी इतना अफोर्डेबल था ना, सिर्फ 75 रुपीज़ का डोसा था, ये मसाला डोसा, एंड सच में काफ़ी ज़्यादा यम्मी था। इसको मैं दूंगी 100 out of 100। हे एवरीवन, तो गाइस अभी आई हूँ मैं क्रिमची टेम्पल्स, एंड ये उधमपुर से थोड़ी सी ऊपर वाली साइड है, हाफ एन आवर का रास्ता है उधमपुर का यहाँ से। एंड ये मंदिर पूरे स्टोन से बने हैं, एंड ये पांडवों के मंदिर है आई थिंक, मुझे पक्का नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि ये किन के मंदिर है। एंड गाइस आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोचा था। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताना, अगर सूट नहीं करे तो भी बता देना, इट्स ओके। तो ये जगह तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, वैसे काफ़ी शांत शांत है, एंड काफ़ी ऐसे अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। केले बनाए हुए ना छोटे छोटे, यहाँ पे क्या है? नहीं अंधेरा है यहाँ पे, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। मैं फूड एक्सप्लोर कर रही हूँ और मोमोज ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए अभी हम एडी टैडी आए थे। ये एक शॉप है वैसे, तो इन्होंने बाहर ये स्टॉल लगाया हुआ था, तो यहाँ पे ये तंदूर करते, काफ़ी वैरायटी के मोमोज थे, चिकन मोमोज भी थे, लेकिन मंडे था इसलिए मैं चिकन मोमोज खा नहीं सकती थी, तो मैंने तंदूरी मोमोज खाए थे। एंड इसका नाम था एडी टैडी, और यहाँ के मोमोज काफ़ी फेमस हैं। तानिया वहाँ पर रहती है, उसी ने मुझे बताया कि, मैंने उससे पूछा कि उधमपुर में तुझे सबसे टेस्टी मोमोज कहाँ से लगते हैं, तो उसने मुझे ये शॉप बताई, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई खाने। लेट काफ़ी हो गया था, लेकिन मैंने बोला मोमोज खाए बिना तो मैं जाऊँगी नहीं, तो इसीलिए रात के 7:30-8 बज रहे थे, तो आने से पहले मैं ये मोमोज खा कर ही आई। एंड ये मोमोज कुछ इन्होंने अलग तरीके से बनाए थे, वैसे तो नॉर्मली तंदूरी मोमोज सिर्फ तंदूर करके दे देते हैं ना, मसाला लगा कर तंदूर कर कर दे देते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाए थे कि मुझे लगा मलाई मोमोज बना रहे हैं ये। तो मैंने उन्हें एक बार दोबारा बोला कि भैया मैंने तंदूरी मोमोज बोले हैं, लेकिन उन्हें बोला कि ये तंदूरी ही हैं। तो फिर मेरे को थोड़ा लगा कि क्या पता ये कुछ अलग तरीके से बना रहे हो, लेकिन इन्होंने ऐसे बनाए थे कि ये मुझे मलाई मोमोज ही लग रहे थे। जम्मू में तो ऐसे मलाई मोमोज ही मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर इसे तंदूरी मोमोज बोलते हैं, तो पता नहीं मलाई मोमोज को कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने फ़र्स्ट बाइट ली ना गाइस, मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे इतना मतलब इतने फ्लेवरफुल थे ना, पता नहीं इन्होंने कौन कौन से मसाले कौन कौन सी चटनी डाली थी, इतने टेस्टी थे सच में। मतलब मैं मान सकती हूँ कि उधमपुर के बेस्ट मोमोज होंगे, क्योंकि ये सच में इतने टेस्टी थे। मैंने जम्मू में भी ऐसे तंदूरी मोमोज तो कहीं नहीं खाए, मैंने मलाई मोमोज भी ऐसे नहीं खाए थे, काफ़ी टेस्टी थे। मैं अभी मतलब जितना बोल रही हूँ आप कुछ समझ जाओ, आप मेरे फेस से समझ जाओ, जो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था ना उसको देख के आपको समझ आया होगा कि ये कितने ज़्यादा ही यम्मी है। तो बस मैंने ये खाए, इसके बाद मैं घर के लिए निकल गई थी। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर लो, क्योंकि मैंने आपसे न्यू ईयर पर वादा किया था
कि इस साल आपको ढेर सारे फूड ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।